हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता। आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर के हमने 6 पार्ट पढ़े थे, और लास्ट जो 6th पार्ट था वो हमारा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकालने का तरीका सीखा था कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अभी उसके बाद हमारे पास देखो तीनों मेथड खत्म हो चुके हैं, एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों जितना हो सके इन तीनों मेथड से क्वेश्चन करना, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, पार्ट नंबर 7, चैप्टर वही थर्ड है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी हम जो मेन टॉपिक है वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल हमें निकालनी आ गई तीनों मेथड से, हमने बहुत अच्छे से सीख ली कि तीनों मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो मैंने आपको इस चैप्टर का मतलब ही बताया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है बट पार्टनर्स वही एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी और सी, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 3:2:1 है। उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा ना वो इक्वल होगा, मतलब हम पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो 3:2:1 में बांटते थे। अब उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लें, मतलब जो भी अब हम प्रॉफिट या लॉस बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे चाहे कुछ भी हो। तो अभी देखिए कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गुडविल हमने निकालनी सीख लिया तीनों मेथड से। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब पार्टनर तो वही एग्जिस्ट कर रहे, पार्टनर चेंज नहीं हो रहे, पार्टनर तो पहले भी ए था अभी भी ए है, पहले भी बी था अभी भी बी है, और पार्टनर पहले भी सी था जो अभी भी सी है, बट पहले इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 था अब 1, पहले इसको कितना मिलता था अब इतना मिल रहा है, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हम यहां से पहले क्या निकालते थे, सेक्रीफाइस और फाइज और गेन निकालते थे हम, याद हो तो आपको कुछ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेक्रीफाइस गेन कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। मान लीजिए अब ये तो क्या हो गया ओल्ड रेशो हो गया, ये क्या हो गया न्यू रेशो हो गया, ठीक है। अभी ओल्ड रेशो ए का देखिए ओल्ड रेशो कितना था भाई, 3 था, 3:6, क्योंकि टोटल कितना है 3, 2, 5 और 1, 6। बी का ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो 2:6 एंड सी का 1:6, माइनस कर दीजिए इसमें से न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो कितना है 1:3, इसका भी 1:3 और इसका भी 1:3, ठीक है भाई। अभी इसका एलसीएम ले लीजिए 6, 6 और 6, 3-2, 1:6, यहां पर 2-2, 0 और यहां पर कितना हो जाएगा 1-2, माइनस का 1:6। अभी हमें देखना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, यहां से देखना पहले इसको 3 मिलता था अब इसको 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइस करने वाला हमेशा क्रेडिट होता है एंट्री में, एंट्री में ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा ये। अभी बी का देखेंगे, पहले भी इसको 2 मिलता था अब भी इसको 2 मिल रहा है, तो ये ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, पहले इसको 1 मिलता था अमाउंट और अब इसको 2 मिल रहा है, ठीक है 2 मिल रहा है, यानी कि अब ज्यादा मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, और गेन वाला ऑलवेज क्या करता है भाई एंट्री में डेबिट हो जाता है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो बच्चों अभी हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है।
अभी मान लीजिए कोई ए बी सी तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5-4-1 है, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9-6-5 होगा, सो दैट मींस ओल्ड रेशियो दैट मींस न्यू रेशियो, यानी कि पहले जो भी उनका प्रॉफिट लॉस होता था वो 5-4-1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अभी वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 9-6-5 में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, सो ये जो पुराना वाला होगा वो ओल्ड रेशियो कहलाएगा और ये हमारा न्यू रेशियो कहलाएगा, कोई बात नहीं। अभी क्या बोल रहे हैं वो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल कितने साल के बेस पे निकालनी है हमें, 2 साल के बेस पे, किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें पता लगे गुडविल निकालनी है, हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे 2013-14, 14-15 and 15-16, ठीक है, हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाले गुडविल निकाल लेंगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट से हमें जर्नल एंट्री करनी है, सबसे पहले हमें गुडविल निकालनी है, किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो 2013-14, 2014-15 and 2015-16 ये हमारे पास ईयर्स हो गए। अभी हमारे पास जो प्रॉफिट्स है वो क्या है, 48,000, 42,000 and 60,000, तो टोटल अगर हम इनका जो इनकी काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भैया हम, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, सभी को दिखाई दे रहा होगा ये टोटल प्रॉफिट्स, देखो इनका टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट्स का टोटल कर दीजिए 1,50,000 आ गए, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 1,50,000 रख देंगे अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर मेरे पास कितने हैं 3, तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया 50,000। अभी गुडविल कितने साल के बेस पे निकालने वो कह रहे हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेजेस, 2 साल के बेस पे निकालने गुडविल, तो गुडविल कैसे निकालते हैं हम, इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे 50,000 into 2, तो गुडविल कितनी आ गई हमारे पास 1,00,000। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना जो भी गुडविल निकलती है पूरे फर्म की गुडविल निकलती है, ये जो भी गुडविल निकलती है किसकी निकलती है, ये पूरे फर्म की गुडविल होती है, ये इस फर्म की गुडविल में इन सभी पार्टनर्स का हिस्सा होता है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक, अभी इसके बाद में क्वेश्चन करके दिखाता हूं, यहां तक हो गया। अभी हमें करना क्या है, वो कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट तो हमने कर दी, गुडविल तो हमने निकाल लिए, अभी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके सैक्रिफाइस गेन और निकालना है, हमें निकालना क्या है सैक्रिफाइस और गेन, हमें निकालना कैसे निकालते बेटा, वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी 3 पार्टनर्स है मेरे पास, ए बी और सी, ठीक है भाई, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है भाई, यहां देखिए 5-4 बी का है और सी का 1 है, तो ए का भी कितना है 5/10, बी का कितना है 4/10 और सी का कितना है 1/10, माइनस न्यू रेशियो देखो ए बी और सी का न्यू रेशियो कितना है 9-6 and 5, ए बी सी का कितना है 9-6-5, यानी कि 9/20, 6/20 और 5/20, 9/20, 6/20 और 5/20, ये बात समझ में आ गई। तो अभी हम इनका एलसीएम लेके सैक्रिफाइस गेन निकालेंगे इनका, तो बेटा आपको अच्छे से पता होगा 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 20 ही ले आप, ठीक है, इसका एलसीएम 20 आ गया, तो कितना आ गया यहां से 10-9 1/20, यहां से कितना आ गया 8-6 2/20 और यहां से कितना आ गया 2-5 माइनस का 3/20। अभी आप देखेंगे सैक्रिफाइस गेन निकालना है अभी हमें, तो पहले इसको 10 मिलता था A को, अब 9 रुपए मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो क्या कर रहा है अपने हिस्से में, तो सैक्रिफाइस कर रही है, और सैक्रिफाइस करने वाला क्या होता है ऑलवेज एंट्री में क्रेडिट होता है। अभी इसको पहले 8 रुपए मिल रहे थे और अब 6 रुपए मिल रहे हैं हिस्सा मान लो,
तो ये भी इसको दो कम मिल रहा है, ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा क्रेडिट। इसको पहले दो मिलते थे, अब पांच रुपए मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये तीन रुपए और मिल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्री में डेबिट हो जाएगा। यहां तक ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अभी मैं इसकी एंट्री करता हूं, देखो एंट्री में डेबिट कौन हो रहा है, सी हो रहा है डेबिट, और ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहां पर क्या लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी डेबिट हो रहा है टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी सी, अभी हमारे पास गुडविल कितनी निकली है भाई, एक लाख। एक लाख में पहले सी का हिस्सा निकाल लो भाई, एक लाख में सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो एक लाख में पहले सी, सी डेबिट है, तो एक लाख का इसका हिस्सा कितना बनता है, पहले देखो मैं एक वर्किंग नोट में लिखता हूं, सी का कितना हिस्सा, तीन बटे बीस, और गुडविल कितनी है, एक लाख, तो यहां पे लिख लेना एक लाख इंटू थ्री बाय ट्वेंटी, तो कितना आ जाएगा, ये पंद्रह हजार आ जाएगा, यहां पर यहां पे लिख दीजिए पंद्रह हजार। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अभी ए का देखना है, क्योंकि यहां पर एंट्री में ए है, ए का कितना हिस्सा बनता है, दो बटे बीस, सॉरी तीन बटे बीस, एक मिनट रुकिए, ए का हिस्सा कितना बनता है, एक बटे बीस, ठीक है, एक बटे बीस, तो एक गुडविल कितनी, एक लाख, ए का हिस्सा एक बटे बीस है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए का हिस्सा पांच हजार, ठीक है। अभी बी पर आ जाओ, बी का हिस्सा कितना है, दो बटे बीस, दो बटे बीस है, तो एक लाख का दो बटे बीस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, दस हजार आ जाएगा, तो ये आपकी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें एंट्री करनी है, वो मैं आपको अच्छे से बता चुका कि ये गुडविल की ट्रीटमेंट होगी, ये गुडविल की एंट्री होगी। आप चाहो तो अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों अभी एक नया क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने कि पी क्यू आर ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, क्या है, इक्वल पार्टनर्स वन रेशो वन में, ठीक है। कह रहे दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर, उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया, फ्यूचर में क्या कहा उन्होंने कि डिसाइड किया फ्यूचर में आर विल गेट, आर को दिया जाएगा एक बटे पांच हिस्सा प्रॉफिट में से, आर को कितना दिया जाएगा भाई, एक बटे पांच हिस्सा आर को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू वन, ठीक है, जिसमें से R का हिस्सा कितना है, R शेयर ऑफ प्रॉफिट, R का हिस्सा कितना है भाई, टोटल 1/5, ठीक है। तो अगर एक में से टोटल प्रॉफिट में से हम R का हिस्सा निकाल दें तो हमारे पास टोटल 4/5 बचा, जिसमें किस किस का हिस्सा है, A का बचा है और B का बचा है, क्योंकि R ने तो अपना ले लिया हिस्सा एक बटे पांच, तो वन टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से उस आर का हिस्सा निकाल देंगे, वन माइनस वन बाय फाइव, तो इज इक्वल टू फोर बाय फाइव। ये बात समझ आ गई। अब इसमें किस किस का हिस्सा है, ए और बी का हिस्सा है फोर बाय फाइव में, अभी आर का तो मिल चुका एक बटे पांच, ये बात समझ में आ रही है भाई। पी और क्यू में कैसे बांटे, देखो पी और क्यू इक्वल पार्टनर्स है, तो फोर बाय फाइव है जो, उसमें ए और बी का हिस्सा है, तो हम दोनों में इक्वली बांट देंगे, टू बाय फाइव प्लस 2 बाय फाइव, तो कितना हो गया टोटल, ये 4 बाय फाइव, तो यहां पर इनको दे देंगे 2 बाय फाइव और 2 बाय फाइव। ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो 4 बाय फाइव रिमेनिंग बचा था, क्योंकि P और Q इक्वल पार्टनर्स है, तो 4 बाय फाइव को इक्वली दे देंगे हम, तो 2 बाय फाइव और 2 बाय फाइव हमने दे दिए इनको, तो इनका ये तो हो गया जी हमारे पास ओल्ड रेशो, और ये हमारे पास क्या हो गया, न्यू रेशो। आगे चलिए, द गुडविल इज ऑफ द वैल्यूड एट रुपीज तीन लाख, गुडविल कितनी हमें निकाल के दी हुई है फर्म की गुडविल, तो हमें एंट्री करनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेंगे, सैक्रिफाइस और गेन, ये बात समझ में आ गई। सैक्रिफाइस गेन कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी पी क्यू और आर का
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइस गेन निकाल लें। PQR इक्वल पार्टनर से PQR 1/3, 1/3 एंड 1/3 ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3 एंड 1/3 अभी न्यू रेशियो इनका निकाल देंगे। न्यू रेशियो कैसे है भाई 2/5, 2/5 एंड 1/5 इनका सैक्रिफाइस गेन और निकालो भाई। इनका एलसीएम ले लो भाई, इनका एलसीएम 15 आ गया तो कितना आ जाएगा यहां पर 5 - 6 कितना आ जाएगा -1/15। उसके बाद एलसीएम 15 ही है 5 - 6 अगेन -1/15 ठीक है। उसके बाद 15 एलसीएम आ गया 5 - 3, 2/15। अभी सैक्रिफाइस गेन का कैसे पता लगेगा, इस व्यक्ति को पहले 5 मिलता था हिस्से में से अब 6 मिल रहा है तो इसको ज्यादा मिला तो गेन हो गया। गेन क्या होता है डेबिट होता है, मैं बता चुका था। ये भी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, इसका भी बैलेंस डेबिट हो गया। ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका बैलेंस क्रेडिट हो गया। ये बात समझ में आ गई। अभी एंट्री जो करेंगे वो एंट्री कैसे करेंगे भाई, जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कर दो। डेबिट कौन कौन है P और Q दोनों डेबिट है और R क्रेडिट है तो यहां पर क्या एंट्री कर देंगे P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट, सॉरी ठीक है भाई। अभी हमें करना क्या है तो बच्चों अभी हमने ये एंट्री कर ली, अभी गुडविल बांटनी है इनमें। तो गुडविल हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, यहां पर देखेंगे तो गुडविल हमें 3 लाख रुपए की दे रखी है। अभी यहां पर पी और क्यू आर के हिस्सा निकाल देंगे। 3 लाख में पी का कितना हिस्सा है, पी का है जी 1/15 ठीक है। ऐसी 3 लाख में क्यू का कितना हिस्सा है, अगेन 1/15 और 3 लाख में आर का कितना हिस्सा है 2/15। तो ठीक है अभी यहां पर हमें करना क्या है, ये कितना आ जाएगा यहां पर काटेंगे तो पी के हिस्से में आ जाएगा 20,000, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी एक भी कंसेप्ट चेंज नहीं किया है, जैसे पहले बताया था मैंने ऐसा ही क्वेश्चन उठा के किया है। तो आप भी जितना हो सकता है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। अगर ये वीडियो समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अच्छे से समझ भी सकते हैं और हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम दीजिए और फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो भी नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे उसमें एक नया कंसेप्ट लेकर आएंगे आपके सामने और आई होप आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा ये। और जितना हो सकता है बेटा आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।